हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक हब चैनल पे। मैं हूँ चंदन और आज हम बात करने वाले हैं कुछ टेक अपडेट्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि स्मार्टफोन के मार्केट में अभी डिस्प्ले को लेकर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो ऐसे में नॉच डिस्प्ले सबसे ज़्यादा ऊपर बन के आ रहा है, उभर के आ रहा है। तो अभी के जितने भी स्मार्टफोन्स आप देखो, मिड रेंज या हाई रेंज के, सभी में नॉच डिस्प्ले को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लो और वीडियो के अंत में लाइक शेयर कमेंट्स कर दो, ताकि और भी कोई इस वीडियो को देख सके। और अगर वो फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो ऐसा फ़ोन खरीदने में, मिड रेंज या कुछ भी फ़ोन अगर लेना चाहें, तो इस अपडेट्स को देख के वो अपना फ़ोन खरीद सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट ईयर एप्पल आईफोन ने अपना 10वां सालगिरह पूरा किया, तो उसमें उन्होंने अपना विजनलेस फ़ोन निकाला जो कि आईफोन 10 था। और उसी से मार्केट में एक नया होड़सा आ गया कि कोई भी स्मार्टफोन अगर निकले तो नॉच डिस्प्ले होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, ऐसे कुछ 5 स्मार्टफोन्स के बारे में जानेंगे जो कि नॉच डिस्प्ले को। स्मार्टफोन्स आप देखो, मिड रेंज या हाई रेंज के, सभी में नॉच डिस्प्ले को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लो और वीडियो के अंत में लाइक शेयर कमेंट्स कर दो, ताकि और भी कोई इस वीडियो को देख सके। और अगर वो फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो ऐसा फ़ोन खरीदने में, मिड रेंज या कुछ भी फ़ोन अगर लेना चाहें, तो इस अपडेट्स को देख के वो अपना फ़ोन खरीद सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट ईयर एप्पल आईफोन ने अपना 10वां सालगिरह पूरा किया, तो उसमें उन्होंने अपना विजनलेस फ़ोन निकाला जो कि आईफोन 10 था। और उसी से मार्केट में एक नया होड़सा आ गया कि कोई भी स्मार्टफोन अगर निकले तो नॉच डिस्प्ले होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, ऐसे कुछ 5 स्मार्टफोन्स के बारे में जानेंगे जो कि नॉच डिस्प्ले को इंट्रोड्यूस करा रखा है मार्केट में। तो सबसे पहले बात करने से पहले हमारा जो आता है वीवो Y81 का, जो कि भारत में लॉन्च हुआ है, यह लेटेस्ट स्मार्टफोन है। इसमें 19:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला बेजलेस डिस्प्ले दिया गया है, जो कि 1440x720 पिक्सल रेजोल्यूशन वाली 6.2 इंच की HD डिस्प्ले सपोर्ट करती है। फ़ोन की नॉच डिस्प्ले को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास से प्रोटेक्ट किया गया है। एंड्रॉयड 8.0 ओरियो आधारित फ्रंट टच ओएस 4.0 के साथ यह फ़ोन 2GHz ऑक्टाकोर प्रोसेसर व मीडियाटेक MT6762 चिपसेट पर रन करता है। वीवो Y81 में 3GB रैम के साथ 32GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जिसे 256GB तक बढ़ाया जा सकता है। वीवो Y81 के बैक पैनल पर जहाँ LED फ्लैश के साथ F2.2 एपर्चर वाला 30MP का रियर कैमरा दिया गया, वहीं फोन के फ्रंट साइड में 2.2 एपर्चर वाला 5MP का सेल्फी कैमरा मौजूद है। यह एक 4G स्मार्टफोन है जो डुअल सिम सपोर्ट करता है। बेसिक कनेक्टिविटी फीचर्स में फेस अनलॉक के साथ इसमें पावर बैकअप के लिए 3260mAh की बैटरी दी गई है। यह फ़ोन 12,999 रुपये की कीमत पर ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर सेल के लिए उपलब्ध होगा। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं दूसरे नंबर फ़ोन की, जो कि है ओप्पो A3s। यह फ़ोन भी 6.2 इंच की HD सुपर फुल स्क्रीन बेजललेस डिस्प्ले पर पेश किया गया है, जिसके ऊपरी हिस्से पर नॉच मौजूद है। यह फ़ोन एंड्रॉयड 8.1 ओरियो आधारित कलर OS 5.1 पर पेश किया गया है, जिसके साथ 1.8GHz ऑक्टाकोर प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 चिपसेट को पर रन करता है। भारत में यह फ़ोन 2GB रैम और 16GB इंटरनल मेमोरी के साथ और 3GB रैम और 32GB इंटरनल मेमोरी के साथ में वेरिएंट लॉन्च किया गया है। ओप्पो A3s के बैक पैनल पर ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जो 13MP और 2MP के कैमरा सेंसर सपोर्ट करता है। वहीं सेल्फी के लिए इस फ़ोन में AI ब्यूटीफाई फीचर से लैस 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। ड्यूअल सिम व 4G VoLTE के साथ ही फ़ोन में बेसिक कनेक्टिविटी फीचर्स मौजूद है। फ़ोन में फेस अनलॉक फीचर के साथ ही पावर बैकअप के लिए
4230 mAh की पावरफुल बैटरी दी गई है। ओप्पो A3s के 2 GB और 16 GB इंटरनल वेरिएंट को 10,990 रुपये और 3 GB 32 GB इंटरनल मेमोरी के साथ में 13,990 रुपये की कीमत पर फ्लिपकार्ट के साथ ही ऑफलाइन स्टोर से खरीदा जा सकता है। दोस्तों नंबर तीन फ़ोन पे आता है, नंबर तीन पे आता है ऑनर 9N, जो कि हुआई के सब ब्रांड ऑनर द्वारा लॉन्च किया गया यह बेहद स्टाइलिश और आकर्षक स्मार्टफोन है। यह फ़ोन मेटल फ्रेम पर बना जिसका पैनल मिरर फिनिशिंग वाला है। इस फ़ोन को 2280x1080 पिक्सल रेजोल्यूशन वाली 5.84 इंच की फुल HD डिस्प्ले पर पेश किया है, जिसके ऊपरी किनारे पर नॉच मौजूद है। एंड्रॉयड 8.0 ओरियो आधारित EMUI 8.0 के साथ ऑनर 9N हाई सिलिकॉन किरिन 659 चिपसेट पर रन करता है। ऑनर 9N डुअल रियर कैमरा सपोर्ट करता है, जिसके बैक पैनल पर जहां LED फ्लैश के साथ 13 MP और 2 MP के दो कैमरा सेंसर दिए गए हैं, वहीं सेल्फी के लिए फ़ोन में 16 MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है। डुअल सिम व 4G VoLTE के साथ ही फ़ोन में रियर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। यह फ़ोन फेस अनलॉक फीचर भी सपोर्ट करता है और पावर बैकअप के लिए इसमें 3000 mAh की बैटरी दी गई। भारतीय बाजार में ऑनर 9N का 3 GB 32 GB वेरियंट 11,999 रुपये, 4 GB वेरिएंट 64 GB इंटरनल के साथ में 14,000 रुपये तक और 4 GB और 128 GB मेमोरी वेरिएंट वाला करीब 18,000 रुपये में सेल के लिए उपलब्ध है। चार नंबर पे दोस्तों वीवो V9 यूथ स्मार्टफोन का सस्ता मॉडल है, जो नॉच डिस्प्ले सपोर्ट करता है। 19:9 एस्पेक्ट रेशियो वाले इस फ़ोन में 6.3 इंच की फुल HD स्क्रीन दी गई है, जो कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास कोटेड है। एंड्रॉयड 8.1 ओरियो के साथ ही यह फ़ोन 1.8 GHz ऑक्टाकोर प्रोसेसर और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 चिपसेट पर रन करता है। वीवो ने अपने इस फ़ोन को 4 GB रैम से लैस किया है, जो कि 32 GB इंटरनल सपोर्ट करता है। वीवो V9 यूथ के बैक पैनल पर ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें LED फ्लैश के साथ ही 16 MP का प्राइमरी और 2 MP का सेकेंडरी कैमरा मौजूद है। इसी तरह फ़ोन के फ्रंट पैनल पर AI ब्यूटी फीचर वाला 16 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। 4G VoLTE और ड्यूअल सिम के साथ ही V9 यूथ में रियर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है और पावर बैकअप के लिए यह फ़ोन 3260 mAh की बैटरी सपोर्ट करता है। भारतीय बाजार में वीवो V9 करीब 19,000 रुपये पर सेल के लिए उपलब्ध है। तो बात करते हैं अब पाँचवें नंबर फ़ोन का, तो वो है ऑनर की तरफ से ऑनर प्ले अगस्त के पहले सप्ताह में भारत में लॉन्च हुआ था। दमदार स्पेसिफिकेशन के साथ ही यह फ़ोन नॉच डिस्प्ले सपोर्ट करता है। मेटल डिज़ाइन वाले इस फ़ोन में 6.3 इंच की फुल HD डिस्प्ले दी गई है। इमोशन वाली 8.2 आधारित एंड्रॉयड 8.1 ओरियो के साथ यह फ़ोन 2.4 GHz ऑक्टाकोर हाई सिलिकॉन किरिन 970 चिपसेट पर रन करता है। यह फ़ोन AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी के साथ ही GPU टर्बो टेक्नोलॉजी से लैस है। ऑनर प्ले के बैक पैनल पर 16 MP और 2 MP का डुअल रियर कैमरा दिया गया है तथा सेल्फी के लिए फ़ोन में 16 MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है। 4G VoLTE दोहरा सिम व USB टाइप सी के साथ ही यह फ़ोन 3750 mAh की बैटरी सपोर्ट करता है। रियर फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ ही फ़ोन में फेस अनलॉक फीचर भी दिया गया है। इंडियन मार्केट में इस फ़ोन को अमेजन इंडिया से 4GB 64GB वेरियंट करीब 20,000 रुपये और 6GB 64GB वेरिएंट करीब 24,000 रुपये में आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर ये आपको सपोर्टिव या आपको सजेस्टिव लगे तो आप प्लीज़ इसे सब शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपका कोई भी सुझाव हो तो वो हम स्वीकार कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।